תחי. क्या करेंगे बोले, उसके काम है वो, होना बोला तो होना, फिर फोन मारो बैगन में मार के बोलो। कहता हूँ हम जो है ना, क्या है सुनने के लिए है ना, तो उन तक पैगाम तो पहुँचा देंगे। 9 बजे शुरू करूँगा मैं। अच्छी बात है।
मेरा काम देखिए आया काम कर पे सही है ना इधर से बाहर कलम का सूरत हो सूरत हो आप जाने वाले थे कहाँ पर वैसा नहीं है वहाँ पर शिप्ला की पार्टी की अपन आपस भाई सवाल लेके बैठे मुझे मिला है जिस पर नाम और पता नहीं है और पता नहीं कौन सा हक तकसीम कर रहे हैं बराए करम यही आ जाते हैं मुझसे बात करने के लिए तो शायद तो मसले का हल निकल जाता और मैं बताता कि इमामिया में इख्तलाफ है या नहीं मैं खाली नहीं आया हूँ मेरे साथ किताबें मौजूद हैं जो अपने आप को शिया कह रहे हैं उसी किताबों में बताऊंगा कि कितना इख्तलाफ है सिवा आपके कह देने से ये इख्तलाफ है या नहीं ये साबित नहीं हो सकता और हैरत है जब आप पर्चा तकसीम कर रहे हैं तो आपका एड्रेस क्यों नहीं थे पता लिखना चाहिए जैसे कि जब मैं ये दावा किया तो मेरा नाम और मेरा पता मौजूद है इस किस्म के पर्चे तकसीम करना ये आपकी आजादी का सबूत है अगर आपके यहाँ कोई जवाब होता तो यकीनन बारगाह इमाम सैफुद्दीन ने आते और हक और बातिल
इंसान के दरमियान फैसला कर लेते सब चीजें बता दूंगा और आप खुद फैसला करें कि इख्तलाफ है या नहीं है और शिया मजहब क्या है, क्योंकि हम कुरान और हदीस के मानने वाले हैं और ये जो दूसरा फरका है वो कुरान और हदीस को नाकाफी जानकर अक्ल इजमा का भी मानता है। इसी पर इंशाअल्लाह ताला बात होगी। और यही नहीं, इख्तलाफ होने का सबब यह है कि हमारे यहाँ सिर्फ 12 इमाम हैं, कोई 13वां इमाम नहीं है। इंशाअल्लाह कुरान से साबित करूंगा कि इमाम बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ खुदा को, गैर खुदा इमाम नहीं बना सकता। अब मैं मोहतरम दुरूद पढ़े बाबा ने बताया साहब ने अखबार में एक न्यूज़ शायद किए थे, वो आप हज़रत तक पहुंचाना ज़रूरी समझता हूं। ये 17 मार्च 2007, जब इख्तलाफ नहीं है ये अपने मोहतरम मौलवी मुमताज़ मुंशी साहब ये इश्तहार क्यों शायद किए, एक माने हुए एडवोकेट भी हैं, सदर ईरान को जना मुमताज़ मुंशी एडवोकेट का मकबूब हैदराबाद 17 मार्च प्रेस रूम मुमताज़ मुंशी एडवोकेट कन्वीनर और इंडिया शिया कॉन्फ्रेंस ने अपने एक सहाफती बयान में कहा है कि उन्होंने एक मुफसल याददाश्त सदर मुमलकत ईरान को रवाना की है कि दस्तूर ईरान में इस्लाम को मुमलकती दीन और जाफरी इसनाए अशरिया को मुमलकती मजहब करार दिया गया है। दस्तूर ईरान और जाफरी इसनाए अशअरी के मुताबिक शियों के 14 मासूमीन हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि और 12 इमाम अली मुर्तज़ा हसन मुस्तफा हुसैन शहीद दश्त करबला सज्जाद वाक़िब जाफर मूसा काज़म रज़ाए वली मोहम्मद तक़ी अली नबी हसन अस्करी और हुज्जत। उन्होंने मजीद कहा कि दस्तूर ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी को इमाम खुमैनी जो लिखा गया है फिर गौर से समाज फरमाए। उन्होंने मजीद कहा कि दस्तूर ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी को इमाम खुमैनी जो लिखा गया है वो दस्तूर ईरान और शियत के खिलाफ है, शियत के खिलाफ है, लिहाजा इस लफ्ज इमाम को हज़फ किया जाए और दस्तूर ईरान में तरमीम लाते हुए सारी दुनिया पर वाज़ह कर दिया जाए कि शियों के 12 इमाम हैं। पता चला जब इनको यहाँ 13वां इमाम माना जा रहा था इसकी बुना पर यह मकतूब सदर ईरान को दिया गया है। मजहब शिया में सिर्फ 12 इमाम हैं, यह आपके कह देने से काम चलने वाला नहीं है। पहले ये बताएं कि इमाम खुमैनी को आप इमाम क्या कहते हैं, जो वाजे करें, वरना मैं कुरान से यहाँ पर अभी साबित करूँगा कि जो भी हजरात पत्थर तकसीम कर रहे हैं उनसे मेरा मालूम है कि आए बिल मुशाफा सामने बैठकर उससे गुफ्तगु करें। अगर आप नहीं कर सकते तो ये जो भी तहरीर किया है, ये जो भी आपके आलिम है, अल्लामा है, ज़ाकिर है, मौलवी है, मुज्तहिद है, जो कोई भी है उनसे कहें कि मैं उनसे बात करने के लिए आमदा हूँ, तैयार हूँ, गुरु का तोहफा पेश करें बाबा का सलाम। ये तक ना वाकिफ है कि अखबारी क्या है, उसूली क्या है, काश के वो कम से कम मोहम्मद अल्लाह पढ़ लेते, वर्मा मुल्ला जस्टिस अमीर अली जो है हमारे कोर्ट में जो किताबें चलती है उसका जिक्र कर रहा हूँ, उसका हवाला भी दे सकता हूँ, मेरे साथ मौजूद है। ये चुनाचे वर्मा की किताब ले लें, मोहम्मद अल्लाह या जस्टिस अमीर अली ले लें या मुल्ला की ले लें, इन तमाम किताबों में आपको मिल जाएगा कि मोहम्मद दो फिर
इसमें सुन्नी शिया, सुन्नियों में मालिकी, हम्बली, शाफई और हनफी, शियों में जैदी, इस्माइली, इस्नाए अशरी में फिर दो ब्रांच है, एक अवदारी दूसरे उसमी। ये आपके लिख लेने से नहीं होता, नाराज होकर एक साहब अवदारी लिख लिए, ये किताबों का क्या होगा? जाए कोर्ट को चैलेंज करें तो समझूंगा मैं आपको कि आया कोर्ट में अवदारी का लफ्ज है या नहीं, और बताएं मुझे कि उसमी किसको कहते हैं अवदारी। सिर्फ शिया कह लेने से काम नहीं चलता, इंसान इंसान कह लेने से काम नहीं चलता, इंसान कौन है बताए? एक इंसान का नाम होता है। इसी तरह उसमें मेरे पास हिलाली की किताब मेरे साथ मौजूद है, उसमें तहरीर है कि शियों में 1300 खेल होंगे, शियों में 13 सब दावाए महत्व करने वाले होंगे, मगर इनमें सिर्फ एक फिरका नाजी है। तो पता चला कि शियों में फिरके हैं, ये तय करें कौन सा फिरका। फिरका पर बिनाए नमाज और रोजे हज और ज़कात नहीं बनता, बल्कि फिरका पर बिनाए अकीदा बनता है। आप अय्यन वलीउल्लाह को तबर्रुक कहने वाले हैं, हम अय्यन वलीउल्लाह को जुज़्वे लाइलफक मानने वाले हैं। हमें कहते हैं अगर अली इब्ने अबी तालिब ने तो खुदा की खुदाई ने, आप आखिर नहीं है कि अली कहते किसको है, जिसको खल्क करकर खुदा नाज की मंजिल में आए। फतबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन, ऐसे वजूद को अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं। सूरह तौबा में What?
कोई अख्तलाफ नहीं मजहब के अंदर हमारे सब बात
राजपूत की दिलास में वर्णन तो भी दाड़ है فرمایا کہ تمام شیعہ علماء کے فتاوا کے مطابق
अजान में इस सतर का पढ़ना वाजिब नहीं है, यानी अशहदु अन्ना अलिया वलीला का पढ़ना वाजिब नहीं है। और अगर कोई शख्स वाजिब की नीयत से इस सतर को अपनी अजान में शामिल करता है तो इसकी अजान और नमाज दोनों बातिल हैं। इसे सिर्फ तबर्रुक के तौर पर अजान में शामिल किया गया है। बस यहीं से अख्तलाफात पैदा हुए, क्योंकि एक जमात कहने लगी कि अलियन वलीउल्लाह जज्व अजान नहीं है और ये तबर्रुकन शामिल किया गया है। और हमारा ये अकीदा है अख़वाल मासूमीन अलैहिस्सलाम की रोशनी में, अगर अजान से अलियन वलीउल्लाह निकाल दिया जाए तो अजान बनता है। ना सिर्फ अजान बातिल है, अगर नमाज तशहुद से अलियन वलीउल्लाह निकाल दिया जाए तो खुदा की कसम नमाज बातिल है। आयतुल्लाह सिस्तानी अपने नेट पर फतवा जारी किए हैं कि अगर कोई नमाज में तशहुद के दौरान अलियन वलीउल्लाह कहे तो उसकी नमाज बातिल है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि छठे इमाम का तशहुद मौजूद है, जब छठे इमाम तशहुद पढ़ते थे तो उसमें शहादत मौलाए कायनात भी देते थे। सबसे पहला स्कूल कौन सा है, जो स्कूल खोला वो कौन से स्कूल में तालीम हासिल की, क्योंकि स्कूल में पढ़ने के बाद ही जब आलिम होता है तो सबसे पहला जो है। हाँ, और सपोर्ट नहीं, उनकी सपोर्ट नहीं है, जानता हूँ जिनके बात सही बोले जवाब सही नहीं, नहीं नहीं वैसा नहीं, वैसा नहीं किया। मेरे पास ये सब लोग ये मौजूद है, ये आयत अल्लाह है, ये न्याय सामने न्याय सब सामने है। देखिए आयत अल्लाह खामने साहब की जो मरजियत का ऐलान हुआ तो इसमें मरजियत का जब ऐलान होता है तो पब्लिक चुनाव होता है, तो जब पब्लिक के मर्जा का इंतखाब कर रही है तो पब्लिक के हक और बातिल के दरमियान फैसला नहीं कर सकती। जैसे कि हम भी मिंबर पर जाते हैं तकरीर करते हैं तो इनको क्या समझना जो होगा, जब ये जोहला है तो इनके सामने तकलीफ क्यों करूँगा जी? ये कहाँ आ रहे कोई हदीस, कोई हदीस नहीं इसमें, हदीस में मौजूद है जी? हदीस नहीं तो कोई मुखाली नहीं है। जो हवा आता का रसूल फखुजू हवा नहा का मुखल तो हो, जो रसूल दे ले लो जिससे मना करें रुक जाओ। खौल हतमी मकबत की रोशनी में आया के पुरानी की रोशनी में गुफ्तगु करें तैयार हूँ। जैसे कि उसूली मजहब में इमाम नायब इमाम ये है, मैं सवाल कर रहा हूँ किस बुनियाद पर आप इनको इमाम बने, कैसे इनको नायब इमाम बनाए, क्या आपको इख्तियार है इमाम या नायब इमाम बनाने का? ये मेरा सवाल है। ये जो मसला है, ये जो मसला है, इसमें कम से कम अगर एक जवाब देंगे मौलाना जी तो उसका जज करने के लिए उनसे सीनियर होना चाहिए। जज भी करेगा नहीं करेगा? कल मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम पढ़ने के बाद नहीं होगा, आयतुल्लाह सिस्तानी सब का यम किया है, इन्होंने लिखते हैं क्योंकि रसूल अरबी कह रहे हैं मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और हदीस। ये आयतुल्लाह सिस्तानी साहब का मलिया है इस्लाम हदीस की शरीयत कुर्रा के फौरी मसाइल का तफसीली माखज कुरान हदीस इजमा अहल, ये दो जो पढ़ाए कौन आपको पावर दिया पढ़ाने का? जी, जी। कुरान और हदीस छोड़े जा रहा हूँ, सरकार के हदीस कुरान और इतर अपने
125 हवाले देता हूँ, कितने? 125 अपने भी दूंगा, कुरान से दूंगा। ये बताइए इतना किसको कहते हैं, अहले बैत किसको कहते हैं? दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और इतरत। मैं तुम्हें दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और हदीस। मैं तुम्हें दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और अली इब्न अबी तालिब। सुनो, अली अफजल है, ये रसूलल्लाह का फौज है। एक अली से का माना यह है कि 14 अली, क्योंकि अव्वलना मोहम्मद, आखिरना मोहम्मद, औसतना मोहम्मद, कुलना। मैं तुम्हें दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, ये दावा है। जी कौन सी रिवायत है? मेरे पास इश्तिहाद नहीं है, मैं रद्द करने बैठा हूँ। इश्तिहाद कौन सा? इश्तिहाद इश्तिहाद माने भी मकबूल करूँगा, इश्तिहाद माने भी मकबूल है, मगर मसलक के ये जो उसूली है इश्तिहाद। इनसे पूछिए कि अखल रखते हैं या तस्किया कर सकते हैं, यानी हक और बातिल के दरमियान, ये पूछिए। ना, इसमें अखल लड़ाना नहीं है, अखल ईजाब के लिए नहीं है, अखल जो है ना इकरार करने के लिए, सिर्फ कबूल करने के लिए। जैसे जब बच्चा बालिग और आकिल होता है उस वक्त नमाज वाजिब होती है, बालिग और आखिर होने के बाद, अखल आने के बाद नमाज को ईजाद करना नहीं। इसी तरह यहाँ पर जो सोर्स ऑफ लॉ है अखल और इजमा, ये अखल और इजमा कहाँ से पढ़ा है? तमाम हर एक पहला उन्होंने मेरा कुरान और रसूलल्लाह का है, तो लोग का ये है कि अनावीर होना चाहिए, ये बताइए मुझे, अदब है या मजहब है? अदब पहले या मजहब पहले है? मजहब की गुफ्तगु करना है, अदब के लिए आप इसकी बात करें, मैं कुरान से कहीं दे रहा हूँ। नहनो नज़ल ज़िक्र वइन्ना लहू लहाफ। नहनो जमा का सिगा है, वाहिद का नहीं, इतना जानता हूँ, ज्यादा नहीं जानता, क्योंकि मौलाए कायनात का कौल है ग्रामर में मत उलझो, वो भी हदीस रखता हूँ। ग्रामर पर बहस मत करो, ज्यादा ग्रामर में मत जाओ, वो भी है हदीस मेरे पास। तो नहनो जमा का सिगा है, ये आयत कुरानी है, अल्लाह कितने हैं? उसकी गलती को पकड़िए, उनवानात और अनामीन से नैनो की गलती है। ये जो आवाम उन्होंने, जब अल्लाह जो है ना नैनो हो रहा, तो मैं उनवानात ही था, फिर वो गलत बनी। जी मजहब पे गुफ्तगू है या अदब पर, मेरा मारूदा ये है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, आपके मजहब ने अखल और इजमा जो इजाफा की, एक कुरान की आयत या एक हदीस दीजिए, वरना मैं अखल की भी रद्द दूंगा, इजमा को भी रद्द दूंगा, कुरान और हदीस से। फिर मैंने तकरीबन 8 बजे से 10 बजे तक इंतजार किया, 10 बजे जी बदले, सिर्फ वो लोग ख्यास भी देते हैं या आप लोग अकल के लिए? बात एक ही है, आप जानता हूँ, फौले मासूम बताइए जी, बोलिए। शराब हराम है, क्योंकि उसमें नशा होता जी, हर नशा होता है, शराब नहीं, हर नशा होता जी। हम कैसा समझ लें हर नशा होती हराम? कैसा समझ, ये समझे कि भाई जो चीज में नशा हो चीज हराम है, हर नशा वाली चीज हराम है। तो हमारे ब्रदर अहले सुन्नत बोलते हैं, तो
का मतलब ये हुआ कि जब ये अकल आपकी हुज्जत है तो पहले आयतुल्लाह को चाहिए शराब पीना, नशा आने लगे उसके बाद उसे देना। जो रसूल दे और रसूल अखले कुल, अखले कुल जो दे दिया उसके बाद नाफिस अखल, वो अखले कुल के दिए हुए पर तफक्कुर कर रही है। तो गौरतलब बात है, अखल कुल जो देने के बाद कि जितनी अखल का मालिक और अखल की तारीफ की गई है सुई दे नाके को अगर समंदर में डुबो दिए उस निकालने के बाद तकसीम हुआ हिस्से, एक हिस्से में से जो तकसीम हुआ वो कायनात की अखल है। ये अखल कुल का हॉल उसमें यह मौलवी बैठे हॉल करेंगे इबादत कैसे करोगे जिसकी मारिफत नहीं। तो पहले मारिफत हासिल करना है बाद में इबादत। तो पता चला 15 साल का जो पीरियड है इसमें मारिफत का दर्श लेना है। मारिफत का दर्श लेने के बाद अब मुसल्ला सजाना है। अब मुसल्ले पर आए तो अल्लाह अकबर का लुत्फ आना कि क्या इसके लिए अब अल्लाह अकबर कह रहे हैं, क्या पढ़ने हैं आप, उसका लुत्फ आएगा। तो पहले मारिफत, जब रुकू में जाएंगे मेराज का तस्वुर करते हुए अगर रुकू करेंगे तो लुत्फ दो वाला होगा। सजदे में जाएंगे हुसैन का तस्वुर रहेगा तो लुत्फ दो वाला होगा, क्योंकि जब पैगम्बर इस्लाम जो अखले कुल है उन्होंने नमाज पढ़ रहे थे ला सलाता इल्ला बिरुजूइल कल्ब, नमाज उस वक्त तक नहीं जब तक के रुजूए कल्ब नहीं हुसैन आ गया उस पर अल्लाह और आप सर ने उठाना। तब किसका ख्याल आया? हुसैन का ख्याल। तो पता चला हुसैन के ख्याल के साथ नमाज पढ़े तो कितनी बार ये अल्लाह चाहता नहीं तो फिर उसको आपको रद्द करना नहीं तो फिर तस्वुर रहना। तो मारिफत के बाद अगर ये वाक़ सुन लिए मोमिन तक ये वाक़ पहुँचा दिए मारिफत तो कैसा योगत मलना में होगा तो उसकी इबादत कैसे करोगे जिसकी मारिफत नहीं। फिर बालिग आखिर होने के बाद नमाज है। तो पता चला ये 15 साल एज में मारिफत का दर्स ले सकते हैं, उसूली अखबारी का फर्क नहीं समझ सकते। तो कौन फैसला करेगा, कौन करेंगे, ये लोग करेंगे फैसला। सवाल ये उठ रहा है कि आवाम उन्नास मिसाल के तौर पर अखबारी हजरात जो है ये आवाम उन्नास से सवाल करिए आप कि यहाँ पे अखबारी हजरात की मसलत है, सपोज अगर उसूली हजरात आएंगे उन्होंने उनकी बात सही मानेंगे दरमियान फैसला इनको करना है, इनको समझना है कि आया मैं मजहब शिया इख्तियार करूं या ना करूं, इनको इख्तियार करना है। जैसा आप बोलें अब ये आवाम में से अहम से कितने मफहूम है इल्म रिजाल किसको बोलते हैं कि वहां क्या पता है इल्म रिजाल का कोई हदीस देंगे आप? हां ये यही बताऊं ये इल्म रिजाल की हदीस देंगे अभी हदीस जब इल्म रिजाल का नहीं हुआ तो दीन का साथ होगा मुझे कुतुब अरबा की पता चला आज तक ये इल्म रिजाल उसूलियों का निकाला हुआ है। मैं बात करूं कुरान और हदीस सलाम मैं ये बता रहा हूं ये उसूलियों का निकाला हुआ है। इल्म रिजाल में उसूल से उसूल नहीं है, इल्म नहीं, इल्म उसूल नहीं,
اصول فقہ پڑھیے فوائد مدنیہ فوائد مدنیہ ہے کہ چھٹے امام کریں جب سیٹل میں اصول فقہ انہیں ایجاد آیا میرے نانا کا دین برباد ہوا مولوی کو نکالیے مولا پر تو بات سمجھ میں آئی میرے نزدیک کوئی مولوی نہیں مولوی کا احترام اسی وقت کروں گا جب وہ مولا کا کرا اگر مولا کا نہیں کیا تو کوئی مولوی مولوی نہیں ہو کیونکہ مولوی بنا مولا سے جی جب مولا سے مولوی بنا بننے کے بعد علی کو تو کرو فرمائیے جب چاہے جہل کا دے پڑھا سکتے میں کیمرہ رکھ رہا ہوں جی ہاں بات آپ تو مومنین کو بالکل نہیں مولانا سے تنہائی میں بات کرنے کی ایک منٹ آپ یہ غلط تہمت بنا رہے ہیں اس لیے کہ یہ پیپر میں لیا وہ بچے سے بغیر گالی کے بھائی دل لانے جو سب ہو چکا ہے اسی لیے یہ چیزوں کا مخالفت کرنا چاہیے یہاں پر بیٹھا ہوں بھائی کو کھو کر یہاں پر بیٹھا ہوں سب کورٹ کچہری کرنے کے بعد کیونکہ مجھ پر کتنے کیس دائر کیے ہیں جس کے میں کورٹ کچہری میں گیا ہوں عبادت خانہ میرے لیے بینڈ ہے سب کو بینڈ ہے کیوں بینڈ بھائی اس لیے بن آپ لوگ کیے یہ چیز تو ہم نہیں کر رہے بھائی کٹ کا بتاؤں میں ہم بات کون کیے بھائی کٹ ان کا بھائی کٹ کا تو ہم نے کیے پھر آپ بولے ہم کر رہے ہیں وہی کیا ان کو پہلے برا بولیے تو بھائی کٹ کرے تو اس نے ہونا بھائی کٹ آپ بولتے نہیں ہیں ہاں اسی وجہ سے مرڈر ہوا کبھی رائے خدا میں جا وہ جانے دیجیے کوئی بات نہیں ہے کبھی دوسرا بیٹھا ہوا میں دوسرا بیٹھا ہوا ہوں میں وہ اس کا جو ہے نا اس کی فکر ہی مت کیجیے یہ چیز جو ہے نا دیکھیے آپ یہ جو ہے نا بائیکاٹ کا اعلان ہوا کیا اخبار میں آیا تو یہ اتنی اچھی چیز اب آپ بری ہے تو اس وقت کیوں نہیں بولے اشتہار دینا تھا نا یہ چیز بری ہوئی بھائی بائیکاٹ کیوں کرے یہ چیز دینا چاہیے تھا میرا سوال اس وقت پہلا سوال رسول خدا دو دیے یا چار جی میرے نزدیک ہے آپ کی اوقات ہے کیونکہ کم از کم آپ کو جھڑک کر کے یہاں تک آئے خدا کی قسم ارے بالکل میں آپ کے میرے نزدیک آپ کی بہت بڑی اہمیت ہے سمجھے نا ایسا نہیں ہے کیوں جو ہے نا آپ کی وجہ سے اتنے لوگ سن سک رہے ہیں کیا ہے کیا مقصد تھا تو میں یہ پوچھ رہا ہوں جب یہ آیت اللہ سجدہ لکھا ہے اس پر عمل کرنا ہے تو یہ لکھتے ہیں کہ قرآن حدیث اجماع اخر تو معروضہ کہہ رہا تھا جب اللہ کہہ رہا ہے کہ جو رسول دے لے لو تو رسول کے قول پر یہ علماء بیٹھ کر تفکر کر رہے ہیں کہ ضعیف ہے ایسا نہیں ہے رسول کے قول پر تو یہ ہے اجماع تو پہلا اجماع کہاں ہوا ختم ہو گئی بات جو اجماع کو رد کرے وہ شیعہ ہے اپنی طرف سے ایک بات ملا دی مشرک ہے قرآن رسول اللہ بولے دو یہ چار کرے تو بڑا دیے نہیں بڑا شک ہوا نہیں ہوا مسئلے پہ بات
ये लोग ये दीन को रिजेक्ट करते हैं, इसीलिए शिया वही होता है जो इजमा को रिजेक्ट करे। अब यहाँ पे सोर्स ऑफ लॉ कुरान हदीस अखल इजमा को शिया कर रहे हैं। ये जो इजमा है, ये इजमा में इमाम की रिवायत की बुनियाद पर इजमा होता है। इमाम की रिवायत होने के बावजूद इजमा होता है। खाले मासूम है तो उस पर इजमा करो। खाले मासूम पर इजमा, यानी फिर ये कुरान के ऊपर इजमा करेंगे, क्योंकि कुरान को ना उतरता हुआ देखे, जिब्राइल को लाता हुआ देखे, ना पैगम्बर इस्लाम अपने हाथ से लिखे, ये तो पैगम्बर इस्लाम का लिखा हुआ नहीं, पता नहीं कौन है खाती, मगर इसको कबूल कर रहे हैं, तो पहले इस पर इजमा करें। इसी को आप लोग अप्रूव करना चाह रहे हैं, तो फिर ये जो कुरान पे जो तीर चला जो बोले ले लेने का। अकबारी नहीं ले सकते, क्योंकि अकबारी बोलते दो चीजें लपड़ते, एक अखबार इलाहिया, एक अखबार मासूमी, ये दो चीज़ें नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ खलूल इजमा है। इसीलिए हम अखबारी ही को शिया कहते हैं, शिया ही को अखबारी कहते हैं। ऐसी कोई रिवायत जी? ऐसी कोई रिवायत तेरा मतलब रिवायत नहजुल असकार पढ़िए, लाया तो साथ में लाया नहीं, जो ट्रांसलेशन करें किस सब क्या समझ कर अखबारी लिखे, उसमें नहजुल असकार में अखबारी क्यों लिखे। अच्छा ये बताइए, हैदराबाद में आप नक्शे में हैदराबाद ही बताइए जी, खत्म। इसी तरह अखबार है मासूमीन पर अमल करने वाला अखबारी है, आप और अखबारी लिखा हुआ बताओ, मैं पूछ रहा हूँ हैदराबादी बताओ, वही पब्लिक को समझने का मौका नहीं दे रहे ना। नहीं यहाँ मत जाओ, यहाँ जाओ, पब्लिक समझ गई, कब तक मत जाओ, आ गए इतने सब जमा हो गए। अब अगर बैठते तो बताता आपको कि जैसे कि जो है ना आपके मुजाहिदे अकबर, इमाम उम्मत, रहबरे इन्कलाबे इस्लामी हजरत इमाम खमेनी, तो हो सकते जी, फिर रद्द क्यों नहीं करें, रद्द क्यों नहीं करें, इस साले सवाल लगत ही माने से वो इमाम के माने जी, इमाम को रहबर के माने, चलिए लगत लगत को मिलूंगा, इमाम उम्मत ना। किसी माना में इमाम नहीं बोल सकते, कौन है इमाम है, फिर ये इमाम साहब अगर होते तो मातल मुफ्ती मातल फतवा ना होता, मुफ्ती के मरते ये फतवा मरा। देखिए आप जो इमाम आ रहा है ये और ये जो इमाम लिखा जा रहा है ना कि इमाम मुद्दत आ जा रहा है, यहाँ पे बहस जो होती है अल्फाज की बहस होती है, इमाम बोल दिया जा रहा है हमें पूरा, तो क्यों हो रहा है, तो किस बात पर निर्णय हो रहा है, तो तकरीर नायब इमाम कैसा होता, नायब इमाम इससे पहले देखिए ये तो आप इमाम को बोल रहे हैं नायब इमाम नहीं हो सकता, इस आप के बारे में इमाम को लिखा गया है आसिफ जो पुरानी मसले पर ये 25 30 साल पहले करे, तो वहां पे आने के लिए क्या क्या आप लोगों की तरफ से हमेशा किए हैं, इमाम खुमैनी को कभी नहीं किया, सबको किए हैं। देखिए किताब उठा के इमाम खुमैनी लिखा गया, इमाम खुमैनी पे झगड़ा हुआ है। अच्छा तो आप बोल रहे हैं कि इमाम खुमैनी को मालिक लिखो, शाफी लिखो, हम्बली लिखो, उसके साथ ही लोगों का भी जिक्र करो। हरीज अमर बोल रहा हूँ कि सिवाय बारह के कोई इमाम नहीं हो सकता, तो आप पूरे नाम मेरा ये मालूम है कि आप लोग कौन सा जो है ना वो करते हैं, जैसे कि खूनी मातम के खिलाफ इतने फतवे आए, मौलवी का काम है मेंबर से बोलना है, आपका क्या है खूनी मातम,
इतने पर्चे बांट रहा नहीं मिला कितना वही खर्चा दो आप जब पढ़िए बिहार इब्राहिम जब करबला की सरजमीन पर पहुंचे चोट आई वो निकला तो चोट इंसिडेंट आई या नहीं जानू की आप क्या पढ़िए माफे में है कि वो सरजमीन है जहां पर मेरा परवरदिगार बनता जिबा होगा इसलिए मैं चाहता हूं उनको नासरों में शामिल करूं इसे ये कह रहा हूं नुसरत हुसैन है बहाने के लिए कोई रिवायत ना मासूम से बता रहा ना कि इमाम से शहजादी ने ज़ैनब अपना सर पत्थर से जी जब ये तोड़ लिए फोन बहने लगा इमाम की मौजूदगी में ये फेल हुआ इमाम पर वाजिब का टोकना है मौलवी ने टोके ये तकरीर है मासूम हो गया अब सवाल ये है कि जैसा कि आप बोले पत्थर क्या क्या चाहिए तकरीर मजहब शिया में खौले मासूम फेल मासूम तकरीर मासूम उचित है तो इसमें से मैं आपको तकरीर ही दिया सवाल ऐसे खली का वाकया दांत तोड़ लिए ये अवश्य खली का वाकया इतना मशहूर है कौन सी तारीख का है रोहित भाई किताबों में मौजूद है पढ़िए किताबों में गलत है क्या तो इसी तरह जब वो खौले मासूम पेश कर रहा है तब आपका क्या कहना है शहजादी ज़ैनब ने पत्थर से पलटा रहा तो हम जो तलवार चाकू ले रहे हैं तो ये हम कहां से ले रहे हैं हम भी पता लेना चाहिए अगर हम ये इश्तिहाद कर रहे हैं इश्तिहादी बोलिए उसको ये चाकू यानी इश्तिहादी है ना इश्तिहादी तो फिर आप पत्थर की जगह पे चाकू का सवाल इश्तिहाद किसको बोलते पहले वो बोलिए कोशिश कर रहे हैं कोशिश और उसूली मजहब में इश्तिहाद क्या है उसूली मजहब में इश्तिहाद की तारीख क्या है कोशिश है दिन में कोशिश पढ़िए उसूली सिस्टम बात पढ़िए पहले कोर्स की किताबें पढ़िए अर्जन के ये उसूली हजरत मुंसिफ मुद्दे कौन से स्कूल के पढ़े हुए हैं उन्होंने जो किताबें पढ़े वो किताबें मेरे पास है समझे आप तो चुनाचे तारीफ है इश्तिहाद आप वहाँ पर मत फिक्स करिए वो इश्तिहाद क्योंकि हम मातम पहला तो इसलिए मुझे उसूली मजहब का इश्तिहाद बताना पड़ रहा है जब बाग इल्म बंद होता है तो बाग इश्तिहाद खुलता है ये है तारीफ है इश्तिहाद उसूलियों के पास जब बाग इल्म बंद होता है तो बाग इश्तिहाद खुलता है ये है तारीफ जी तो बाग इल्म हमारे पास नहीं बंद हुआ क्योंकि रसूल खुदा फरमाता है ना मदीना तो इल्म व इल्म बाबा तो फिर ये हम कहां से ले रहे हैं उन बहाना को कोई रिवायत बताइए तकदीर से बहा 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 मैं बहा रहा हूं नहीं चाकू से काटू नहीं काटता मेरी मर्जी में रहती है उसको छुरी लगाने चाह रहा हूँ मैं उसको तोड़ना जो झापड़ मारेगा मेरा बाप मारा तू है इसी तरह आईमा हमारे बाप हाँ उनके गुजर जाने पर हम पूरे जिस्म से खून बहाते पूरे जिस्म से जब मौका मिला तीन जमाती में तीन जमाती जो इस पर अगर जहन के किसी गोशे में खूनी मातम के खिलाफ वो चीज रखता है वो लानती था लानती है लानती है अगर मातम नहीं कर रहे अगर मातम क्योंकि एतराज की इबादत होती तो मुश्किल हमारे कोई नौ इमाम नहीं करे वादे इबादत नहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो सबसे बढ़कर जख्मी थे वो और जख्मी हो ये खुद नहीं करते
जख्मी है। अब आप बोल रहे हैं कि इमाम हुसैन के गम में तो नहीं के बाप थे, क्यों नहीं आपके मातम कर लिए? अरे वो खुद सर से बैठकर जख्मी, ये अजीब पैगंबर है इस्लाम में, ये पढ़िए आप। हाँ, आए मोहब्बत क्या है, आए मोहब्बत क्या है, बने जब वे देखते हमारे घर खुशी है तो वो खुश हो जाते हैं, जब वे देखते हमारे घर गम है तो गम, हर एक का गम करने का तरीका अलग है। गम पे कोई फतवा नहीं चलता। फतवा क्यों दिए पूछ रहा हूँ, आप फतवा देने वाले कौन? ये बोल रहे खूनी मातम बिदत है, ऐसा बोले बिदत है। क्योंकि मैं आजकल कोई इमाम से तो आपके पास नहीं होगा। मेरे को एक फतवा है जो 108 मर्जियां के दस्तखत उसके ऊपर खूनी मातम बिदत नहीं है। जब देखे हालत खराब है तो देना पड़ता, ये दावत फिक्र है, ये इमाम खुमैनी उनकी दस्तखत मोहर, ये खाम नहीं जी, यही है ना आपकी राय, राय है ना हमेशा बदलती, राय हमेशा बदलती, इसीलिए कह रहे हैं कि लोग राय पर अमल करते हैं। खामेनेई साहब ने तो इसमें दिया है, उसमें कोई यहाँ पे हैदराबाद में उसको मिल भी गया है, यहाँ पे वो सही है, वो सही है, वो सही बोले यहाँ पर लोग उसको मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको तहरीफ करके बांटा गया, ऐसा नहीं बोले वैसा नहीं बोले, तो इतना यहाँ पे दम होना चाहिए लोग है ना, मातम को बोले बिल्कुल मातम चाहिए। अब देखिए आप मातम पे उन्होंने रोक दिए, इतने उलमा उनकी मर्जियत का ऐलान कर रहे हैं, जिसमें आगा इब्राहिम जजारी भी है, मौलाना रजा साहब है, सागर हुसैनी साहब है, यानी तुम मातम के खिलाफ फतवा दिए, लिहाजा तुम ही मर जाओ, ये हम नहीं मानते। ठीक है, ये एक मर्जा है कि नहीं ना जी, शियत मर्जा है कि नहीं जी, फकीर है मर्जा है कहाँ शियत, ये खुद ऐलान करते हैं जी। हाँ, तो फिर इनसे सवाल करना था ना, बे दस्तखत करने वाले से, ये मर्जा क्या है, रुजू करने वाले मर्जा किस सूरत से, मर्जा किस सूरत, मर्जा किससे रुजू होता है जी, मर्जा जो अखबार में हो रहे हैं, नहीं अभी भी हमने रुजू हो रहे हैं जी, क्यों रखे हैं घर में रुजू होते क्या है, हमने इमाम खुमैनी दुआ करने के लिए जो है ना इजाजत, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पूरी अरबी में पढ़ते हैं, नियत उर्दू में करते हैं, तो इसी तरह दुआ मासूरा बोले तो अब कोई लावलत है या कोई और चीज है, पैसों की दिया जाए बोले जाके मांग रहा है, मासूरा नहीं है मत मांगो बोलिए, दुआ के लिए नहीं है वो, दुआ के लिए इजाजत है। बैठो बैठो जी बैठो, मौलाना अगर बात करना चाह रहे हैं, मौलाना अगर बात करना चाह रहे हैं तो यकीनन मैं जो है तन्हाई में भी उनसे बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं कैमरा चलूंगा लाइव हो या कुछ हो, उसके बाद में यहाँ पे अलावा सप्ताह के बारे में तमाम मोमिनीन को दावत देकर बुलाऊंगा, यहाँ लगा दूंगा पर्दा, बड़ा स्क्रीन लगा दीन उनका दीन उनके साथ, हमारा दीन हमारे साथ, मगर जब हमारे दीन का बोलेंगे तो हम बोलेंगे, बेहतर यह है कि हमारे दीन के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। मुझे गाली किसके लिए, लागत है गाली 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 गाली
लानत वानत नहीं। गाड़ी वो गाड़ी किसके लिए बनी? ऐसा है मजबूरी है कि यहाँ के उलमा महदूद किताबें देखे हैं भाई, सारा जो कुतुब खाने का जखीरा है घर में, समझे आप, महदूद किताबें देख कर बातें करने के आदि हैं, चार किताबें देख कर आइए ना बात करिए। मैं सिर्फ एक ही सवाल करूँ, रसूल खुदा दो दिए या चार, यहाँ से स्टार्ट करिए। दो आप जो बड़ा कुरान में मुशरिक, दीन में अगर अपनी तरफ से एक बात मिला दिए तो मुशरिक है। तो यहाँ पर तो दो बातें मिला दिए, अकल और इजमा, कैसा मिला है पूछ लो आप। इसके ऊपर भी गुफ्तगू होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल कहूंगी खुदा बेहतर जानता है। तो जो आज का विषय है कि भाई अब हो गया एक बात। अरे भाई इतने इतने चीजें लिख दी, अब आप और गाली मत दो, अभी तो सबको मालूजा है मेरा कि आप लोग खामोश हैं, सिर्फ सुने। ये देखिए शहीद जावेद, इसमें किताब शहीद जावेद मौलवी नेमतुल्लाह सारे नजफ आबादी नजर आईमा बगैर हुकूमत के दीन की खिदमत नहीं कर सकते। इमाम हुसैन मौलवी हुकूमत हासिल करने के लिए लड़े थे, आप लोग दे लीजिए भाई साहब, बाद में दे लीजिए, अगर आप लोगों का अकीदा ये है तो आप लोग दीजिए बाद में, मगर अब क्या है यहाँ पे इतराज होगा कि देखो भाई लानत की, इसीलिए बोलो आप लोग बाद में। इमाम हुसैन जंग जीत कर हुकूमत हासिल कर लेंगे इस उम्मीद पर यजीद से लड़ने आए थे जी। और सुनिए दसाए नजर बदा मौलिक आयतुल्लाह मुंतजरी इनकलाबी फिदक हजरत अली और हजरत फातिमा की मिल्कियत नहीं थी जी। कई चीजें हैं छोड़ रहा हूँ उसमें, ये है मौलिफ मुर्तजा नौरोजी नौरोजी इनकलाबी आयतुल्लाह खुमैनी का दावा यह है कि इस्लाम को मैंने जिंदा किया। दीदा गाय इमाम खुमैनी, मैं किसी भी मुल्क से चाहे वो इस्लामी हो या गैर इस्लामी जंग नहीं करना चाहता और एक से सुलह करना चाहता हूँ। इतने पर सेवा किराम लिखा हो, इस्लाम को मैंने जिंदा किया, इधर आना कि इस्लाम बराए नाम बाकी इराक को हमला किया था ईरान पर जी, तो भी नहीं करना था, इस्लाम में जायज नहीं होता। हमले का तो जवाब देना है, हमले का जवाब देना पड़ेगा आपको, जायज नहीं। अरे कैसे जायज है? जायज आप घुस जाए घर पर, जायज है क्या, जायज दिमाग के लिए, जायज जायज है दिमाग के लिए काम करना, जैसे नमाज वाजिब रोजा वाजिब हज वाजिब जिहाद वाजिब, दिफा के लिए बाहर लड़ना पुलिस ने गिरफ्तार किया, ये तो कोई बात नहीं। अरे कैसी बात हुई, नमाज को अपने गिरफ्तार कर रही, रोजे में गिरफ्तार, इसीलिए कहा गया इमाम का कौल है फी ज़माना जहाज साकी, हाँ क्योंकि तुम गिरफ्तार हो जाएंगे जब हम आएंगे तो इजाजत देगी, इमाम दे सकता है। सुनिए और एक मिसाल देता हूँ, ये पत्थर है, इसका भी नफ्स है, हजर नफ्स है जी, शजर नफ्स है, हैवान साहिब नफ्स है, इंसान साहिब नफ्स है। ये पत्थर शजर और हैवान का हाकिम है इंसान। अब ये देखेंगे इंसान का हाकिम कौन है, इंसान का हाकिम है पैगंबर इस्लाम वो आइमे मासूमीन। जब वो हुक्म देंगे तो जैसे कि अगर आप पत्थर तोड़ दिए तो कोई आप पर जरूर नहीं आएगा, क्योंकि छोटी नो आप आली हैं, आली छोटी हाकिम होता। इसी तरह अगर आप मेरा कत्ल कर दें अब केस बुक होगा, बरखिलाफ इसके अगर मौला कायनात हुक्म दे दे अब केस बुक नहीं होगा। इसीलिए कहा गया कि जिहाद की जमाना साफिक है। ये सुनिए आयतुल्लाह खुमैनी को दफ्तर के लिए आयतुल्लाह रिसाले नबी जिल्द अव्वल आयतुल्लाह खुमैनी ने फैला दी, जो शख्स किसी सुन्नी के पीछे नमाज जमात पहली सफ में अदा करे तो इसने बोया रसूलुल्लाह के पीछे पहली सफ में नमाज अदा की। इमाम हसन और इमाम हुसैन ने मरवान जैसे के पीछे नमाजें पढ़ी जी। मशाल इतिहाद अब्दुल करीम की औजार शिराजी नकलाबी, हजरत अली ने अबू बकर की बायत की, हजरत अली ने उमर की बायत की, हजरत अली ने उस्मान की बायत की जी। ये फरियाद हाय मुतहरीब और तहरीफ है आशूरा, शहजादे कासिम का लशा पामा नहीं हुआ। इसका असली माखस क्या है? माखस ये देखिए शाया कहाँ से भी जी जाऊँ पैदा हुआ जब देख रहे हैं सारे जगह सारे मुकामात पर इनकलाब चल रहा है, गड़बड़ हो रही है, पूरी मातम पे हो रहा है, तो फिर क्यों नहीं करते कि मैंने दिया, तर्दीद करूंगा जी? नहीं 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 नहीं। आप
क्या फातिमा जरा बच्चा है 1400 साल 2000 साल के बाद क्रिया कर रही है? क्या अपना खाम बैठा हुसैन का गिरी होता है, क्या फायदा? बचपने में हजरत अली से इमाम हुसैन का सवाल आप करने से जो हजरत अब्बास फौरन मस्जिद से उठे और पानी लेकर आ रहे थे, जिस पर ठोकर लगी वो सारा पानी गिर गया था, जिस पर हजरत अली ने रोक कर कहना कहा था कि मुझे करबला का नक्शा याद आ रहा, गड़ा हुआ छोटा हुआ है, क्या करना? ये सब चीजें रखने क्या करना आप बोलो आप। ट्रांसलेशन की बात आप तो खैर अभी बच्चे हैं, बनारस के मौलाना आए थे मेरे पास जो जगवादिया के मुदर्रिस हैं, सुना चाहिए उनको भी एक किताब दिया, ये खुमैनी साहब की तखलीक का चैप्टर, ये जुमला बोले थे जो आप बोल रहे हो पुराने हंसे हुए जुमले हो गए, हर मुसलमान पर एकाम तकरीन, हर मुसलमान का लाजिम है गौसुल दीन पर यकीन रखता और एकाम गैर जरूरी दीन में, एकाम गैर जरूरी दीन में या मुस्तहद जो एकाम को दलील से हासिल कर सके या किसी मुस्तहद की तखलीक करे यानी इसके फतवे के मुताबिक अमल करे या एहतियात पर इस तरह अमल करे कि इसे यकीन हो जाए कि मैं तकलीफ शरीक को अंजाम दे चुका हूँ। ये तो मेरा यह सवाल हुआ कि एहकाम गैर जरूरी दीन क्या है, तो मौलाना मुझसे आपके जैसे सवाल करे, नहीं नहीं ये तर्जुमा करने वाले की जरूरत है, मतलब मौलाना अरबी लाओ या फारसी है मलिया, क्योंकि तो फुटपाथ पर गुफ्तगु नहीं हो रही है, बोले फारसी लाइए, फारसी दिया जिस पर मोहर है, पढ़ लिए पढ़कर खामोश हो गए, कब तक संभालेंगे? मौलवी को नहीं संभालना है, नुसरत करे तो उसकी नुसरत करना ये भी एक नुसरत है, पूरे वलियों में बता दू अजियन वलीला जुजवे असा नहीं है, बहुत है बहुत है सूर्य कौशल में बोल रही है जी, 14 क्या है सूर्य कौशल सही है, बस खत्म, मैंने बोल सकता हूँ आप लोग बोलिए, नहीं 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 बोलिए 14 क्या है, ये तकरीबन 18 फतवे निकाला हूँ आयतुल्लाह खुमैनी खुमैनी खामनाई सिस्तानी सब के किधर वाले मासूम हटो, अजान में अड़ियन वरीला ये फतवे इधर हदीस ये आप मेरी साइट पढ़ ले सकते हैं, इस पर हवाले वगैरह सब कुछ दे दिया कि ये ना अड़ियन वरीला कहना है या नहीं कहना है, क्योंकि एक कॉल बहुत काफ़ी है अकलमंद के लिए, मन खाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फलियकुल अड़ियन वरीला, बेहतर यह है अजान से अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निकाल दें, क्यों अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलते फलियकुल वाजिब हो गया अलीन वलीला के सेटर में की वो हदीस को क्या करेंगे जिसमें करेंगे अजा के 18 जुमों पर अजा मुस्लिम है और 17 पर मुहम्मद बस वसाब जो है गलत है, तो फिर ये भी तो गलत हो जाएगी, नहीं वो हदीस है अब आप तो देता हूं वो भी हदीस है, नहीं भी तो आप और हदीस अरे दवा तो इधर से चालू आप लोग कैसे आप लोग कैसे हदीस बनाते हैं मैं बताता हूं, नहीं शराफत बशरी और हज़्म व जबर को ठोकर मारने की तहरीक है, इसलिए इनकलाब इस्लामी की कामयाबी के पहले लहूलुहान जवानों के लब पर आपका बख्शा हुआ यह नारा बहुत मकबूल था, कुल यौम आशुरा कुल अर्दिन करबला इनका बख्शा हुआ छठे माह से मंजूर कर दिया, ये बाद में सवाल किया हूँ साइड पे किताब का हवाला दीजिए तो बोले आइंदा आप सवाल नहीं करना, जो कि मालूम था मेरे पास ये है, हाँ ये इनका बख्शा हुआ है लगा दिए छठे माह, तो ये हम नहीं करते,
छठे मैं बोल रहा हूँ जब पैगाम की कौशल अच्छा ये बताइए ये कौन सही है या गलत है मन खाला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह फलियकुल अय्यदुल्लाह है या नहीं जो कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे फलियकुल वाजिब हो गया अली अल वलीउल्लाह वाजिब है अली अल वलीउल्लाह वाजिब है अली अल वलीउल्लाह वाजिब है अली अल वलीउल्लाह नहीं ये हुक्म अमल है और एक रिकमेंड है तो ये हदीस जो है अमल में आती है जैसा कि फर्ज किया गया तुम्हें वाजिब अगर ऐसा नहीं अमल फलियकुल हदीस का कुछ हिस्सों में खुला चाहिए फलियकुल से है अमल है जैसे अतीउल्लाह वाजिब है इताअत करना ऐसे फलियकुल तो जब कभी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोले फलियकुल वजान से भी अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोले मजहब में है कि कितने जंग याद रखे तो मजहब ही होंगे मैं जो है ना आपके असल का सवाल करता हूँ ये जुजियात पे नहीं करता नमाज हाथ भर के क्यों पढ़ रहे हाथ खोल के क्यों नहीं पढ़ रहे मजहब जब इख्तियार करेंगे उसको जैसे कि जब आप मजहब हक कबूल करेंगे तो असको तशहुद में अली वलीउल्लाह बोलेंगे सवाल करने लगा रहे अली वलीउल्लाह होगा क्या क्योंकि पूरे किताबों में अच्छा ऐसे कमाल की पब्लिक है आयतुल्लाह लिख रहे हैं अखबारी नाजिए आलम द्वारा लिख रहे हैं नाजिए यहाँ की आवाम बोल रही है ना ये अल्लाह रे अच्छा सवाल हुआ यहाँ पे अखबारी बोल रहे हैं आप अखबारी आप ही तो तहजीब करें आप अखबारी कहला देते हैं ठीक है हकदार हो गए तो आवाम कहाँ से तहजीब करें वो कैसा अखबारी हो जो रिवायत है शेर को शेर का बच्चा आपका कुत्ते का नहीं ये कोई इमली बात नहीं है इमली भी आपका देखिए कुरान दूंगा अखली और नकली दलील पर हाँ आपके घर जब बच्चा पैदा हुआ अजान क्यों करें कलमा पढ़ा इस्लाम की फितरत तो आप ही बता दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलियान वलीउल्लाह ला मुस्तैब है दिया इतना मुस्तैब है ला माइक बंद करो जी रवि हम तो बांटने वाले